गाइस, तो बहुत मतलब काफी टाइम के बाद हम लिली पुट कपल एक नए वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब हमारी इस वीडियो को लाइक मतलब पसंद करेंगे और काफी प्यार देंगे। तो अभी ये सब हमने तैयारी की है, आज हम करेंगे और मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स रख किए हैं जिसमें से आधा तो मैंने से करवाया है इसमें। नहीं नहीं सब मैंने किया है और कुछ पनीर इन्होंने सब खा लिया। आप सोच रहे हमारे पास इतने कम पनीर हुए, हम पनीर काफी क्वांटिटी में लेके आए थे लेकिन आधा इनके पेट में चला गया पहले से, आधा ही जो बचा कुछ है वो यहाँ पे है। हमारा छोटा लिलीपुट वहाँ पे है। और काजल की बच्ची ने इसका ये हालत किया है कि वो खड़े होने लायक नहीं है। काजल तो मुझे मिल जाए बताता हूँ तुम्हें, इसका बदला लूंगा मैं तुमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं कैसे बनता है। हम लोगों ने आज कोयला भी लिया है, ये कोयला है। अब इसको कैसे करना है, पहले इसको मिक्स करते हैं ना। गाइस मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ कोयले जलाने की तैयारी, जब शुरू कर रहा हूँ तो काम हो जाएगा। इसमें कितना कोयला लेना है मुझे ये भी नहीं मालूम। पेट्रोल बाइक से निकाल के लाएगी कहाँ से लाएगी, कितना काफी है ना पीयूष। हाँ अभी तो कम से ही करते हैं। अब इसको चलाने के लिए हमें कुछ जुगाड़ होना होगा। ये डॉल ये मेरी डॉल है, पापा मेरी लाइफ है। ये मेरी डॉल के साथ क्या है, ये पंखा क्यों घेर क्या करता है, इसके साथ में कोयला सुलगा रहा हूं। आज ये डॉल हमारे काम आ रही वरना पड़ी रहती है घर पे। सही में काम कर रही है, ये आग नहीं सुलगने को आ रही है, कब से आग सुलगा रहे हैं। और ये पंखा लगाया गया है आग सुलगाने के लिए और ये असिस्टेंट लेके खड़ा है। अब मेरी डॉल भी लगी बेचारी आगे, सबसे आगे देखो मेरी डॉल लड़िया किसी से कम नहीं है। पक्का जल गया कहीं ना। रात के बज रहे हैं 11:15। और इस वीडियो में जो आप तंदूर देख रहे हो ब्लैक कलर का, वो भी इन दोनों ने मेरे को गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पे, जो कि आज खुद ही इन दोनों को यूज़ करना पड़ा क्योंकि पैक करके ऐसे ही रख दिया था मैंने, मेरे को आता नहीं इसको यूज़ करना। तो ये हमने खुद के लिए गिफ्ट किया था इसको। तो नाम इसका था बर्थडे का, मेरे थे इसको यूज़ हमें करता था। आज एप्रोक्स 7 मंथ, ये मेरी डॉल काम आ रही है आज। आज एप्रोक्स 7 मंथ बाद ये तंदूर आज बाहर आया है, तो देखते हैं कैसा बनता है। जी जोर दीदी लग के इतनी मेहनत कर रहे ताकि कुछ अच्छा खिला पाए बेचारा। मैं सब मसाले डाल के मैंने मिक्स कर दिए हैं, अब बाकी जो ये स्टिक्स है इसमें अब ऑयल लगा के बटर लगा के ये इसमें अब करेंगे हम। बहुत गर्मी या फिर बाहर से खरीद के लिए बना बना सीधा बाहर से खरीद के खाए ना, क्या जो रिटर्न में करने का। ये बटर लगा रहे हैं वो भी।
ये हमने चारों स्टिक्स लगा दिए हैं, कितना टाइम लगता है बनने में देखते हैं। आज ये हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, खाने में कैसा बनता है पता नहीं। खाने में अच्छे बने क्योंकि इतनी गर्मी में बना रहे हैं। 12 बजे बाकी अभी आपको दिखाते हैं कैसा है इसका। आधा पक चुका है, आधा भी पका नहीं है तो अभी टाइम लगेगा। मेन टाइम इसमें लग गया कोयला सुन। फिर आगे 4 चैनल स्टार्ट कर लिए, मस्त चलेगा, टेस्टी लग रहा है काफी दिखने में टेस्ट लग रहा है। ऊपर से प्रिया धीरे बनने बनाया, जहर लगेगा। प्रिया थक गई है, अब ये हमारा पनीर थोड़ा जल चुका है और ये सिर्फ जलाने वाला एक ही इंसान है। जब तक मैं थी वहां पे तो एक पनीर नहीं जला था, इनके आते ही सब पनीर जल गए। एक्सक्यूज मी क्या करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? पनीर सब जला के क्या बोलना चाहेंगे आप? काटा ही ऐसा है। वाह, पनीर जला दो तुम लोग और बोलो काटा ऐसा है। बन चुका है, निकाल दीजिए उसको। गाइस आप बताइए ये हुआ है या अभी जला है? जल चुका है, हो चुका है। मुंह से खा लेंगे सीधा। ये दिखाइए, पहले दिखाइए कैसा है। टेस्ट तो ये लोग ऐसे बोल रहे जैसे कि खा के आए हैं, उसके अंदर जाके नमक डाला है, सब कुछ डाला है। कंप्लीट हो गया है और हम काफ़ी थक चुके हैं, बस ये बने और हम कब खाएं और सो जाएं। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कितना थके आप? 12 बजे टाइम देखो, रात 11:05 हो रहा है और इन भाई साहब को देखो सबसे ज़्यादा तो बेचारा पंखा लेके बैठा है कि वो कैसे आग सुलगे। इस वीडियो में जितना भी पैसा आएगा ना सब मैं लूंगा। पैसा मत बोल, डॉलर्स में आएंगे। बस इसीलिए कर रहा हूँ मैं। हमारा कंप्लीट हो चुका है एक स्टिक, बस चाप कच्चा लग रहा है इसमें, एक चाप कच्चा है ये वाला, बाकी पनीर वगैरह सब पक चुके हैं। कोई बात नहीं ना, चाप की सब्जी बना देंगे सुबह, बहुत है तो इसको निकालते हैं। चाप को अलग से निकालते हैं हम लोग, दोबारा कुक करेंगे, दोबारा से चिमटा भी हमारा काला हो चुका है। टेस्ट कर भी कैसा है बता। चाप को एक अलग स्टिक रखना चाहिए था हमें, कर सकते ना अब करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान आ गया। कुछ ही हमारे पके हैं, पनीर, कैप्सिकम, ऑनियन, तो खा के देखो कुछ कैसा है टेस्ट, पके कि नहीं पके। पहले तो मैं पत्ता गोभी खा के देखता हूँ। मेरे को तो इससे खाने नहीं आएगा पहली बात तो, कोई बात नहीं ट्राई करते। बेइज्जती क्या होता है ये, सच बात है। प्याज कैसे खा ले रहा है देखो, ये अच्छा लगा मेरे को देखने में, ये अच्छा लगा तो इससे खा कैसे रहा है पहले मेरे को दिखा। आई विल ट्राई, पकड़ते कैसे इसको। हाँ यार ठीक है ना, यम है। चलो चम्मच से खा,
गरम तो नहीं है? नहीं नहीं खा लिया। काफी टेस्टी है। अच्छा वैसे क्या रही है? इसको बनाना ज्यादा आसान नहीं था, बहुत हार्ड था, बट इससे खाना बहुत इजी था, मुझे ये अच्छा लगा। आपका चॉपस्टिक टेस्ट फाइनली बनके तो तैयार हो चुका है, अब टेस्ट करके देखते हैं मैडम जी क्या क्या इसमें कलाकारी की है। बनाया तो हमने ही है लेकिन तैयारी जो की है ये हमने की है। बहुत अच्छी तैयारी करी है, इसे खाना खत्म करते हैं। टेस्ट करते हैं पहले क्या स्टार्ट करते हैं। दोबारा खा के बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है। पनीर ट्राई करा, चावनी ट्राई करा, चाटन ट्राई करके अच्छा बता दिया, हमें पता ही नहीं था। खाने में काफी अच्छा है और मेरे ख्याल से इसको घर पे ट्राई नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। या तो छत पे करें, बालकनी में करें, या फिर कहीं दोस्तों के साथ आउटिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।